दोस्तों आज भले ही धरती पर हम इंसानों का राज है, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले धरती पर जब हम इंसानों का अस्तित्व भी नहीं था, तब धरती पे एक जीव का राज था और वो थे डायनासोर। आज भले ही धरती पर उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज से 23 करोड़ साल पहले वे धरती पर थे और उन्होंने 14 करोड़ से भी ज्यादा वर्षों तक धरती पर राज किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका आने वाला समय उनके अस्तित्व को ही खत्म कर देगा। आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब चारों तरफ डायनासोर की हजारों प्रजातियां धरती पर अपना जीवन सुकून से जी रही थी, तब उन्हें क्या पता था कि 10 करोड़ साल पहले ही उनकी विनाश की कहानी लिखी जा चुकी थी। दोस्तों 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह की बेल्ट में घूम रहे एक बड़े से एस्टेरॉयड से जाकर टकरा जाता है और इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब शायद डायनासोरों की जान बच जाती अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता। दोस्तों लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था और वो एस्टेरॉयड चांद के बेहद करीब से होकर गुजरा। 40 किलोमीटर व्यास और 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन वजनी ये एस्टेरॉयड धरती के करीब बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के पर्यावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण इस एस्टेरॉयड में आग लग गई, जिसकी वजह से यह एस्टेरॉयड एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया। दोस्तों यह एस्टेरॉयड इतनी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था कि उसने केवल 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और वो एस्टेरॉयड की चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही इसकी चमक की वजह से हजारों जीव अंधे हो गए। दोस्तों इस टकराव का विस्फोट 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था और ये टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसकी वजह से धरती की लाखों टन धातुएं अंतरिक्ष में चली गई और जहां ये एस्टेरॉयड टकराया था वहां पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। लगभग 16 मिनट 40 सेकंड बाद टकराव की वजह से धरती पर चारों ओर 11.1 तीव्रता का भूकंप आया और इसकी वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक चारों तरफ सुनामी की लहरें बढ़ने लगी। दोस्तों भूकंप की तरंगों की वजह से सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिसके कारण हर जगह डायनासोरों के विनाश की कहानी शुरू हो गई। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव नष्ट हो गए। दोस्तों इस घटना में उड़ने वाले डायनासोर बचे थे, लेकिन इनकी मौत तो उनसे भी ज्यादा दर्दनाक लिखी हुई थी। अंतरिक्ष में जो लाखों टन धातुएं गई थी वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ठीक 40 मिनट बाद भयानक गोले के रूप में धरती पर गिरने लगी, जिसकी वजह से उड़ने वाले डायनासोरों का अंत होने लगा और चारों तरफ केवल तबाही का नजारा था। दोस्तों इस घटना की वजह से धरती के गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी प्रजातियां नष्ट हो गई और विस्फोट के 90 मिनट बाद गर्म हवाओं का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसकी वजह से धरती के 90% जीवों की प्रजातियां भी नष्ट हो गई और 10% जो जीव बचे थे उनमें से वही जीव बच पाए जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था और वो जमीन के अंदर रहकर खुद को सुरक्षित रख पाए और इस तरह धरती से डायनासोरों का अंत हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।